मुझे उम्मीद है कि इस धरती से जब जो भी परचम लहराता है पूरे प्रदेश में उसका परचम लहरता है, तो आज पहली कड़ी खदीजा मसूद साहब को, इनको बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। मायावती के सामने सिर्फ निकाय चुनाव को जीतने का ही संकट नहीं है, बल्कि 2024 के चुनाव में 2019 से भी बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती है। 2019 में सपा के साथ गठबंधन करने पर मायावती को 10 सीटें मिल गई थी, लेकिन हाथी जब अकेले दौड़ता है तो कितनी दूर जा पाता है ये विधानसभा चुनाव में नजर आ गया। कि हमारे जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पार्टी का एक एक शुभचिंतक, एक एक वोटर, यहाँ तक प्रेस बंधु, मीडिया बंधु, जायज बात को लेके हमारी दिखाने का जो काम करेंगे, हमें इनसे भी उम्मीद है और चुनाव आयोग से, यहाँ के प्रशासन से भी उम्मीद है कि चुनाव को निष्पक्ष कराने का काम करेंगे। पश्चिमी यूपी में इस बार जंग जोरदार होने वाली है, क्योंकि एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ सपा रालोद का गठबंधन, तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी, तो चौथी तरफ आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने मेरठ से मेयर पद के लिए जाट दांव खेलते हुए समाज सेवी ऋचा सिंह को मैदान में उतार दिया है। साथ में बिजली पानी वाले वादे के दम पर जीत का ताना बाना भी तैयार किया जा रहा है। 90 वार्डों में चुनाव लड़ेंगे, सारे वार्डों में लड़ेंगे। हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ का हमारा नारा है और इस नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वार्डों पर हमारी कमेटियां हैं, 763 नगर निकायों में हमारे प्रभारी हैं। पिछले एक साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस चुनाव में अच्छे परिणाम आने चाहिए। आपने कहा कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ, लेकिन नगर निगम की पहले ही हालत ऐसी, वो लिख चुके हैं कि भाई उस तरीके से हम सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण है। जितनी आमदनी नगर निगमों की है, अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो जनता को हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ का सपना सच करके दिखाया जा सकता है। निकाय चुनाव के सहारे हर सियासी दल की कोशिश 24 के चुनाव से पहले खुद को मजबूत करने की है। यूपी में आम आदमी पार्टी दूसरी बार निकाय चुनाव लड़ने जा रही है। पहली बार भले पार्टी को कोई जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन दूसरी बार पूरी ताकत लगाने की तैयारी है। अगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पश्चिमी यूपी में खाता खोल लिया तो सबसे बड़ा संकट सपा और रालोद के सामने खड़ा हो सकता है।